सो हेलो एवरीवन, तो चलिए देखते हैं आज की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एयरफोर्स और नेवी एग्ज़ाम के लिए। तो पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे कल कोई इंग्लिश की वीडियो नहीं आई थी, तो बहुत लोगों ने कमेंट में पूछा कि सर वो क्या आपकी वीडियो भी नहीं आई है, ना ही ग्रामर की वीडियो आई है। तो देखिए, वो कल ग्रामर की वीडियो आनी थी और इस वजह से जो है वो कैब की वीडियो नहीं आई। अब बात आती है कि ग्रामर की वीडियो क्यों नहीं आई थी, तो उसके पीछे का सिंपल रीज़न यही है। देखिए, कल मैंने वीडियो ग्रामर का डाला भी था लेकिन किसी को भी नोटिफिकेशन नहीं मिला था। शायद जैसे ही मैंने डाला था तो सिर्फ 40-50 लोगों ने देखा था और नोटिफिकेशन किसी को भी नहीं गया था। इस वजह से मैंने उसको डिलीट किया और फिर से अपलोड करना चाहा लेकिन फिर वो अपलोड ही नहीं हुआ। इस वजह से वो वीडियो आ जाएगी, ठीक है, आज शाम को उसी टाइम जितने टाइम वो कैब आती है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि इंग्लिश की क्लास नहीं होगी या फिर कुछ भी जो आप सोच रहे हो। पूरा जो अगर मैंने बोला है कि वोकेबलरी इंग्लिश ग्रामर पूरा होगा, तो इसका मतलब पूरा होगा आपका एग्ज़ाम से बहुत पहले पहले तक, ताकि एक बार रिवीजन भी हो जाए। तो इंग्लिश का आप बिल्कुल टेंशन मत लो, क्लासेस आज से रेगुलर रहेंगी। आज से क्या रेगुलर थी, कल तो उसी वजह से जैसे ने बताया कि इश्यूज कुछ हो गए थे, नोटिफिकेशन नहीं गया था, इसी वजह से कल वीडियो नहीं आ पाई थी, लेकिन आज से फिर से वो रेगुलर हो जाएगा। आज आप लोगों को ग्रामर की वीडियो मिलेगी, राधिका मैम आपकी वो पहली क्लास लेंगी। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द सिक्स आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस ADMM प्लस वॉज हेल्ड इन विच सिटी, कोलम्बो, न्यू डेली, हनोई या फिर बैंकॉक। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बैंकॉक। बैंकॉक आपको पता होना चाहिए थाईलैंड की कैपिटल सिटी है और यहीं पे सिक्स एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस जो है हो रही है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सॉन इन एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। 100% ये क्वेश्चन आएगा, चाहे एयरफोर्स हो चाहे नेवी, दोनों में आएगा कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति का नाम बताइए। ऑप्शन आपके गोटबाया राजपक्षा, प्रियंता श्रीसेना, नमल राजपक्षा या फिर कारू जयसूर्या। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोतबाया राजपक्षा नए प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के। रट लीजिए इसको। श्रीलंका की कैपिटल क्या है वो आपको कमेंट में बतानी है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन बॉक्सर हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल बॉक्सिंग बॉडी AIBA एथलीट्स कमीशन। शिव थापा, लैशराम, सरिता देवी, मैरी कॉम या फिर विजेंदर सिंह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लैश राम सरिता देवी। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े हु हैज़ बीन सॉर्न इन एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। तो नए चीफ जस्टिस बने इंडिया के जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। ये पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपके 100% आएगा यहाँ पे, चाहे नेवी एग्जाम हो चाहे एयरफोर्स में। दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो ये इनका नाम जो नए चीफ जस्टिस है और जो अभी इससे पहले रहे यानी जिनकी जगह ये आए उनका नाम, तो उनका नाम था रंजन गोगोई। और ये पूछा है आपसे इस क्वेश्चन में कि इससे पहले किस हाई कोर्ट में जो है सर्व करते थे एज अ चीफ जस्टिस, तो ये करते थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर, द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ सेलेक्टेड विच IIM का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टू हेल्प कर्ब करप्शन इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। IIM कैलकटा, IIM इंदौर, IIM अहमदाबाद या फिर IIM बैंगलोर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, IIM अहमदाबाद। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड टाइफाइड वैक्सीन। तो कौन सी कंट्री पहली कंट्री बन गई है जो कि WHO के द्वारा अप्रूव की गई एक टाइफाइड वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करेगा अपनी कंट्री में? श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, जो आप सोच रहे हो वो नहीं है, यानी ऐसी कंट्री है जो आप समझ में नहीं सकते, और वो है पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, पाकिस्तान ने ये काम किया है। अगला क्वेश्चन है, सेवन्थ नंबर, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वर्चुअल क्लासेस प्रोजेक्ट, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड या फिर बिहार। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वर्चुअल क्लासेस प्रोजेक्ट। यानी वर्चुअल क्लासेस क्या होता है? वर्चुअल क्लासेस का मतलब एक तरह से आप फिजिकली, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो ना YouTube से पढ़ रहे हो, तो अब ये क्या एक तरह से की वर्चुअल क्लास है ना, यानी आप कहीं क्लास में बैठे नहीं, अपने घर में ही बैठे बैठे जो भी एजुकेशन है वो आप ले रहे हो, तो यही है एक वर्चुअल क्लास का एग्जांपल। अगला क्वेश्चन है, एट नंबर, द सांस कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो जो एक कैंपेन है सांस नाम से, ये किस यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, फिर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। सही आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री सेप्टिक टैंक सफाई योजना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर दिल्ली।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली, क्योंकि अभी चुनाव आने हैं तो जल्दी जल्दी जो है योजनाएं भी आएंगी। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट एवर नेशनल एग्रोकेमिकल्स कांग्रेस वॉज हेल्ड इन विच सिटी, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, फिर न्यू दिल्ली। इसका भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली। तो अब चलिए देखते हैं हिंदी के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला मुक्केबाज खिलाड़ी AIBA के पहले एथलीट आयोग में सदस्य के रूप में चुनी गई। तो ये अभी अभी मैंने बताया, इनका नाम है सरिता देवी, लैश राम सरिता देवी इनका पूरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, जैसे कि कल मैंने हिंदी का टेस्ट लिया था आप लोगों करंट अफेयर्स का, वीकली करंट अफेयर्स का, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया मुझे पता है, क्योंकि जितने भी लोग रेगुलर थे उन लोगों के मार्क्स जो हैं मैं 7 से ऊपर ही थे। मैंने आपको बोला था कि अगर 7 से ऊपर हैं तो इसका मतलब आप रेगुलर हैं। बहुत लोगों के तो 10 out of 10 मार्क्स है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत लोगों के 7 से ऊपर बहुत लोगों के आए, और जिन लोगों के कम हैं 7 से, यानी कि आप रेगुलर नहीं थे या फिर आपने अभी चैनल को ज्वाइन किया, तो अगर आपको स्कोर अच्छा करना है, देखिए यहाँ पे स्कोर जितना करेंगे ना आप, जितना अच्छा स्कोर करेंगे वहीं एग्ज़ाम टाइम में उतना ही आपका स्कोर अच्छा आएगा। ये बात आप भूल जाइए, जो आप सोचते हैं कि यहाँ पे कम स्कोर हो रहा है वहाँ पे नहीं होगा। जितना आपका स्कोर यहाँ पे हो रहा है उतना ही स्कोर आपका रियल एग्जामिनेशन में होगा। इसी वजह से रेगुलर रहें, चाहे कोई भी क्लास हो, चाहे करंट अफेयर्स की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो। इंग्लिश की जैसे मैंने बताया कि कल नहीं आई थी, इसका मतलब ये नहीं आएगी नहीं, आज इंग्लिश ग्रामर की पहली वीडियो आएगी। तो मेक श्योर नोटिफिकेशन मेरे को ज़रूर प्रेस कर लेना यार सभी लोग, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और बहुत लोग जीके का भी बोल रहे थे कि सर जीके करवाई, तो जीके का आप टेंशन मत लो, मैं मतलब कि सीरीज़ लॉन्च करूँगा, फिर जैसे करंट अफेयर आपका ख़त्म हो जाएगा ना, फिर 10-15 दिन सीधे मैं जीके ही करवाऊंगा, और पूरा जीके जो है आपका जीएस, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब आता है, वो सब खत्म कर दूंगा। तो उसका आप टेंशन मत लो, और पीडीएफ भी उसकी दे दूंगा। तो चलिए अभी क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में श्रीलंका का राष्ट्रपति चुना गया? तो ये भी अभी मैंने करवाया, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोतबाया राजपक्षे। ये क्वेश्चन मैं फिर से बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर, यूनिसेफ द्वारा हाल ही में जारी पोषण और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष से छोटे कितने प्रतिशत बच्चे कम वजन से ग्रसित हैं? 18, 33, 42 या फिर 54? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 33%। तो ये यूनिसेफ द्वारा रिपोर्ट निकली है, जिसमें 33% जो अंडर 5 एज के जो चिल्ड्रेन हैं वो अंडर वेट हैं, यानी कि उनका वेट नॉर्मल से कम है। और इसके पीछे के कई रीज़न होते हैं, जैसे कि उनकी जो मदर का वेट है वो कम है, और जन्म के बाद उनको सही जो है डाइट नहीं मिल पाना, ये कई सारे रीजंस हैं कम वेट होने के। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, 33%। अगला क्वेश्चन 4th नंबर है, संयुक्त राष्ट्र यानी UN द्वारा किस दिन को सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों की स्मृति में समर्पित किया गया है? 17, 16, 15 या फिर 14 नवंबर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 17 नवंबर। और इस बार का जो थीम था वो था लाइफ इज़ नॉट अ कार पार्ट, यानी कि जो ज़िंदगी है वो कार, आपकी कार का कोई हिस्सा नहीं है जो आपने कभी भी यूज़ एंड थ्रो टाइप, ठीक है? तो लाइफ इज़ नॉट अ कार पार्ट इस बार का थीम था, और ये मनाया गया था 17 नवंबर को। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर, भारत ने हाल ही में 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली किस बैलिस्टिक मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है? आकाश, ब्रह्मोस 1, त्रिशूल या फिर अग्नि 2? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अग्नि 2। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका परीक्षण कहाँ से किया गया ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उड़ीसा, उड़ीसा में आपको पता होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, वहीं से इसका जो है परीक्षण, सफल परीक्षण किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, अग्नि 1 का पहले ही कर लिया गया, ये अग्नि 2 का किया गया। इसके बाद 3 और आएंगे, यानी अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस दिन राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है? 18 नवंबर, 16 नवंबर, 10 नवंबर या फिर 12 नवंबर? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 16 नवंबर। 16 नवंबर को जरा राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 7th नंबर, हाल ही में किस राज्य में 12 दिवसीय नदी उत्सव ब्रह्मपुत्र पुष्करम उत्सव का आयोजन किया गया? असम, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर झारखंड? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। तो असम में ब्रह्मपुत्र पुष्करम उत्सव का जो है आयोजन किया गया, और आप गैस करना भी कठिन नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहीं पे ब्रह्मपुत्र पुष्करम उत्सव हुआ होगा, जाहिर सी बात है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे है? तमिलनाडु में क्या है? नहीं है। कर्नाटक में है? नहीं है। झारखंड, ये सारे राज्य अगर आप देखो तो सदर्न स्टेट हैं। झारखंड तो सदर्न स्टेट नहीं कहूँगा, ईस्टर्न स्टेट है, लेकिन तमिलनाडु और कर्नाटक सदर्न स्टेट हैं। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, जैसे आप देखो अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, यहाँ पर फ्लो करती है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए, असम होगा। तो अगर आप देखो तो कई बार आपको क्वेश्चन से ही हिंट मिल जाती है।
अगला क्वेश्चन है 8th नंबर, किस वरिष्ठ पत्रकार ने दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी DDCA के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन है आपके रवीश कुमार, सुधीर चौधरी, रजत शर्मा या फिर महेंद्र वेद। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रजत शर्मा। रजत शर्मा जो है इन्होंने DDCA के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, ऑप्शन नंबर सी। और आपको पता होगा ये इंडिया TV जो न्यूज़ चैनल है उसमें ये रिपोर्टिंग करते हैं, और इनका जो फेमस शो है उसका नाम आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में लोअर दिबांग घाटी में सिसेरी नदी पुल का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। जाहिर सी बात है फिर से वही आपको क्वेश्चन से हिंट लेना, जो दिबांग घाटी है वो जाहिर सी बात है दिबांग नदी है उस पर ही बना होगा, और चलिए अगर नहीं भी बना होगा तो दिबांग कहाँ से आप बिलोंग करता है, दिबांग जो नाम है वो है नॉर्थ ईस्टर्न नाम, और आप देखो तो ये सारे जो हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तो है नहीं, तो यहाँ पर एक ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो है ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की करंट अफेयर्स की वीडियो, कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, किसी क्वेश्चन में डाउट है ज़रूर पूछिएगा, वीडियो पसंद आई लाइक कीजिएगा और स्टे ट्यून्ड क्योंकि शाम को जो है ग्रामर की वीडियो ज़रूर आएगी, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना ताकि जब वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।